हर हर महादेव, जय श्री महाकाल साधकों। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे भले होंगे और आपके परिवार में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होगा। तो देखिए साधकों, सावन चल रहा है, व्यस्त होने के कारण वीडियो नहीं मिल पा रही है आप लोगों के बीच, और अब धीरे धीरे सावन समाप्ति के कगार पर है। तो अब कोशिश हमारी होगी कि आपको वीडियो दो दिन तीन दिन में या हफ्ते में एक वीडियो तो अवश्य आप लोगों को दी जाए। खैर, चलिए आज के विषय की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा विषय है, जैसे कि आपका कोई कोर्ट में, कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो आज का हमारा विषय उसके लिए है। लेकिन एक चीज़ इसमें भी ध्यान रखिएगा कि आप सही होने चाहिए। सही होने का मतलब ये है कि आप निर्दोष होने चाहिए। आपका अगर दोष हुआ तो ये जान लीजिए कि फिर केस आपके पक्ष में नहीं आएगा। आप निर्दोष हैं, फिर भी कोई पैसे वाला व्यक्ति, कोई धनिक व्यक्ति, कोई सोर्स वाला व्यक्ति आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, तब यह कार्य आपके में करेगा, अन्यथा आपके में कार्य नहीं करेगा। तो चलिए जानते हैं कि हमारा विधान क्या है, आपको करना क्या है। आपको चले जाना है किसी भी मंगलवार से या शनिवार से, इस क्रिया को आपको शुरू करना है। आपको जाना कहाँ है? आपको चले जाना है किसी भी हनुमान मंदिर में, ठीक है। मंगलवार या शनिवार से आपको ये क्रिया करनी है, और कम से कम 21 मंगलवार या 21 शनिवार। उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रेगुलर, ये नहीं कि बीच में हमने किया छोड़ दिए, बीच में फिर किए फिर छोड़ दिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि आपको शराब और मांस मछली से बिल्कुल ही दूर रहना है। एक बार ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है तो चलेगा, लेकिन शराब और मांस मछली नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। आपको संकल्प ले लेना है कि हम इस केस को विजय होने के लिए 21 मंगलवार का या 21 शनिवार का संकल्प लेते हैं, तो हनुमान जी कृपा करें और कृपा करके हमारे इस केस को आप सॉल्व करें। हम आपके दर पर आएंगे और आपको एक दिया तेल का सरसों के जलाएंगे। हर मंगलवार, अगर मंगलवार करते हैं तो मंगलवार बोल दीजिएगा, शनिवार करते हैं तो शनिवार बोल दीजिएगा। अपना नाम, गोत्र, अगर नहीं पता आपको कि संकल्प कैसे लिया जाता है, तो वो आप वीडियो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, उसे भी आप देख लें, ठीक है। दूसरा आपको करना क्या है कि अपने सर से लेकर के पांव तक एक जो कलावा आता है, लाल वाला, ठीक है, जिसको हाथों में बांधा जाता है, उस कलावे को सर से लेकर पांव तक नाप लीजिए। और नापने के बाद उसी का जो है, जो बाती होती है, उसको बाती आप बना लीजिए। बाती बना करके उस दिए को जो है हनुमान जी के मंदिर में जला दीजिए। अब यह क्रिया आपको 21 मंगलवार या 21 शनिवार करनी है। आप देखेंगे कि आपके केस में 9 मंगलवार या 9 शनिवार होते होते आपके केस में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, बिल्कुल होगा, ये 100% गारंटी है। तो इसे आप करें, बिल्कुल लाभ मिलेगा। इसमें किसी मंत्र की, किसी यंत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस जाना है, अपने सर से पहले दिया वो नाप लेना है, घर पे ही नाप लें या मंदिर में नाप लें। घर पे ही नाप करके ले जाएं तो अच्छा है, वहाँ पर ले जा करके दिया लें और सरसों का तेल भरें और उसको जला दें। जला करके 5 मिनट बैठ जाएं, हाथ जोड़ के अर्जी विनती कर लें, फिर वहाँ से आप चले आएँ। हफ्ते में एक दिन ये क्रिया करनी है, 21 ये जान लीजिए, 21 हफ्ते ये करनी है आपको रेगुलर। उसमें बीच में किसी भी दिन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ चलता हूँ साधकों, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।